The world is changing and quality healthcare is very important and should be accessed easily. For that, we have now mulkehealth.com, an entire e-hospital now at your fingertips. Go and visit. Hey friends, marhaba, I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you should be ready to flaunt your smile always. With lots of positiveness, support, smile and peace. Friends, आज हमारे साथ हैं राबिया रियाज. She's a TikTok star और chemist बनना चाहती हैं और साथ साथ acting का भी शौक है. तो चलिए आइए देखते हैं वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, क्यों करती हैं और as a social media influencer वो आप लोगों को कैसे influence कर पाती हैं. आइए. जब मैं smile करती हूँ ना तो ना कोई dimple पड़ता है और ना ही किसी का कत्ल होता है. बस मेरी आंखें ना छोटी छोटी हो जाती हैं. ये देखो. हाय राबिया, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी मैं बिल्कुल. मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है. और आप ये बताएं कि कौन से शहर से हैं आप? मैं मरी से हूँ. इस्लामाबाद के आगे एक हिली एरिया है वहां से. हाँ, मुझे मालूम है. मैं कभी गई नहीं वहां पे लेकिन मैंने सुना है उसके बारे में. सुना है बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत जगह की. बहुत ही खूबसूरत सी राबिया रियाज. सो वेलकम टू स्माइल विद समीरा अजीज. और टिकटॉक स्टार्स जो हैं वो पाकिस्तान की जगह जगह के इलाकों से हैं. तो मैं खुद कराची में बहुत साल रही हूँ और मैंने सिर्फ बहुत सारी जगहों के नाम मुझे वहाँ रहते हुए नहीं मालूम थे. और अब खुशी होती है कि उन लोगों से आप अब इंटरेक्ट कर सकते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया. सो राबिया, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पढ़ती हैं और क्या के आपके गोल्स हैं, किस तरह आपने टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाना शुरू की, सब कुछ बताइए. टिकटॉक हम लोगों ने रेंडमली, मेरी और मेरी बहन थी, मतलब दोनों ने साथ स्टार्ट किया था. रेंडम ही हम लोगों ने बनाया था एंड हमें फिर अच्छा मिला था तो फिर हमने बनाया. मैं ना अपने ना कॉलेज में ज्यादा बनाती होती थी, ज्यादा मेरी वो वायरल गई थी वीडियोस. तो राबी आप बताइए, आप कहाँ पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं और क्या करती हैं? मैं पढ़ती कहाँ हूँ, मैं बीएस केमिस्ट्री कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है. तो इतना टाइम मिल जाता है टिकटॉक वीडियो साथ साथ बनाने का? हाँ, टिकटॉक का तो टाइम क्योंकि मिल ही जाता है और साथ पढ़ने का निकाल लेते हैं बस. अच्छा, जो लोग ज्यादातर जो टिकटॉक पे होते हैं वो ज्यादा एक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? एक्टर बनने का शौक जी, जी अगर मुझे अच्छा ब्रेक मिला, लाइक अच्छा चांस मिला तो मैं जरूर जाऊंगी एक्टिंग की तरफ. सही. अच्छा, हमारे पास जितने भी टिकटॉक स्टार्स आए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं घर वालों को पसंद नहीं है. और सोशल मीडिया से पाकिस्तान के घर वालों को इतनी प्रॉब्लम क्या है? मेरे फैमिली में तो ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं है. पता है, घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, जो आगे फैमिली होती है ना, लाइक फुफ्फो एंड सब, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है वो आगे ना. तो फुफ्फी की बेटी का टिकटॉक अकाउंट नहीं है? नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ट्राई की भी है, फेमस वगैरह होने की. बट जी, तो इस तरह के बड़ों का भी एक एक अकाउंट खोल के दे देना चाहिए, उनकी तस्वीर लगा के कि ये नहीं आपका अकाउंट है और ये आपकी तस्वीर है. तो आप भी उसमें वीडियोस बनाए. मेरा ऐसे मतलब मामा पापा को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो बल्कि खुद हमारी वीडियोस बनाते होते हैं. सही. अच्छा, किस तरह की वीडियोस आप बनाना पसंद करती हैं और क्या आपके दिमाग में आइडियाज रहते हैं? आइडिया ज्यादा मैं ना प्रेफर करती हूँ कि डायलॉग्स ऐसे हों, विनिंग डायलॉग्स हों, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ ज्यादा बनाती हूँ. और सबको लगता है हम दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन हम लोग ट्विन्स नहीं है. अच्छा, इधर उधर की बातें छोड़ो कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो. मैं आपके मोहल्ले में नई नई रहने आई हूँ, लेकिन आपका वो दोस्त क्या नाम है उसका, चंदू, मुझे रोज छेड़ता है. एक मिनट, तुम्हें छेड़ता है कि तुम्हें छेड़ता है? मुझे छेड़ता है, इसका पता.
जी तो फिर आप लोग दो हैं जो जो मिलके बनाते हैं, तो नाम तो सिर्फ राबिया रियाज है आपके अकाउंट का, राइट? उनका अलग अकाउंट है। हाँ, पहले ना उसका अकाउंट मेरे से ज्यादा हाई पे जा रहा था, हाई पे उसका अलग था मेरा अलग था। फिर हम लोगों ने क्यों उसका जो अकाउंट है रिपोर्ट हो गया था, तो फिर इसलिए एक ही अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये टिकटॉक में कमजोरी है, और किसी अकाउंट के बारे में इस तरह नहीं कोई रिपोर्ट भी करे और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, दे डोंट केयर लाइक फेसबुक वगैरह है, जब तक उनको कुछ वैलिड रीजन ना मिल जाए। ये टिकटॉक में ऐसा क्यों है कि रिपोर्ट करे कोई बिला वजह वो बगैर किसी छानबीन के वे ब्लॉक कर देते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक टाइम आया था जब सबके अकाउंट ब्लॉक हो रहे थे एक साथ साथ साथ, उस टाइम पे रिदा का हुआ था, जब इतना इतने ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे टिकटॉक। अच्छा, पाकिस्तान में अचानक ही टिकटॉक जो है बहुत मशहूर हुआ है, और एट द सेम टाइम टिकटॉक स्टार्स को स्टार तो कहा जा रहा है मगर उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो है, लाइक मुझे ये लगता है कि मतलब हर चीज में ना बंदे की अपनी मेहनत होती है। अब ये करना या इसको गलत कहना, इसमें भी बंदे की अपनी मेहनत है। टिकटॉक में भी काफी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। 15 सेकंड्स की वीडियो में भी काफी टाइम लगता है बनाने के लिए, पीछे मेहनत होती है, ऐसे तो नहीं। और ये है कि अब जो लोग ये कहते हैं कि टिकटॉक ये टिकटॉक वो सब टिकटॉक पे आए हुए हैं, वो अलग बात है कि उनको थोड़ा फेम वगैरह नहीं मिलता। टिकटॉक की वीडियोस जो है वायरल करना या फेमस करना, ऐसा कोई खास तरीका है? टिकटॉक की वीडियोस वायरल करना, जी कंटेंट आप लोगों का अच्छा हो, लाइक आप फनी वीडियोस ज्यादा अगर आप लोगों की होंगी ना, वो उतनी वायरल जाएंगी। अच्छा, फनी, लोग यानी हंसना चाहते हैं, या मुस्कुराना चाहते हैं, या दैट्स हाँ, ग्रेट। आपका क्या ख्याल है कि जो यंग जनरेशन आन में टिकटॉक इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसकी वजह डिप्रेशन तो नहीं है? क्योंकि यंग जनरेशन आजकल ज़्यादातर डिप्रेस में होती है कैरियर को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कंपटीशन ज़्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं मुझे ऐसे ऐसा नहीं लगता। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है, लाइक आप बोर हो रहे हो, बैठे हो, कुछ हो ना आपके पास कुछ करने को, आप जस्ट वीडियो बनाओ और अपने आप को एंजॉय कर सकते हो। डिप्रेशन का ऐसे कोई लिंक नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग जनरेशन है आजकल की, बिकॉज कंपटीशन बहुत हो गया है, तो वो अपने आप को जो है वो हल्का करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट तो कुछ इस तरह से है। मुझको आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो जो डिप्रेशन में है आजकल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कैरियर चॉइसेस को लेकर, तो वो अपने आप को एंटरटेन करके हल्का फुल्का महसूस करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चंद सेकंड की जो वीडियोस होते हैं उसको देख के खुश हो जाते हैं। एट द सेम टाइम उनमें सब्र कम है, तो वो ये वीडियोस छोटी होती हैं, सो वो उनको अच्छा महसूस कराती हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट करती हैं? माइट भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने अपना अगर आपको बताऊं तो मैंने तो मतलब इस वजह से नहीं किया था कि मुझे कोई डिप्रेशन है या ये वो, मोस्टली ऐसे नहीं करते लोग तो। और टिकटॉक पे सिर्फ लक चलती है, जिसकी लक चल जाए ना बस। अच्छा, यहाँ पर हमसे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि मैं आपसे पूछूं, आप बीएससी केमिस्ट्री से हैं, आपको जो सब्जेक्ट है हाँ जी 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 बीएस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इज वेरी वेरी ड्राई सब्जेक्ट, नो और यस? जी हाँ, बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैं तो रुखसार से कहने वाली हूँ कि मुझे अशफाक मियाँ बहुत पसंद एक्सक्यूज मी, कौन अशफाक मियाँ? कौन अशफाक मियाँ कह रहे हो? बड़े मजाकिया। अच्छा, आपकी जो फील्ड है, आप एक केमिस्ट्री की फील्ड से, आपकी टिकटॉक की वीडियोस को लेके आपकी जो फील्ड है उसमें कितनी ज्यादा रिलेशन रहती है, या वो एक आप बिल्कुल उसको अलग लेके चल रही हैं एंटरटेनमेंट पे, या कुछ मेडिकल की कुछ इन्फ्लुएंस उसमें, आपकी पढ़ाई का इन्फ्लुएंस उसमें रहता है? टिकटॉक में जी नहीं, कोई इन्फ्लुएंस वगैरह ऐसे नहीं रहता। स्टडीज का जो प्रॉपर टाइम होता है उसको देना पड़ता है, और टिकटॉक को जो प्रॉपर टाइम होता है वो देना पड़ता है।
जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है या अगर कोई मेडिकल पढ़ रहे हैं और उनका टिकटॉक अकाउंट है और वो मेडिकल एडवाइजेस देंगे, इस तरह भी होता है ना? हाँ, हो सकता है, हो सकता है. काफी अकाउंट्स ऐसे हैं लाइक जिनका क्या कह सकते हैं, इंटरेस्ट जिसमें होता है, लाइक कुकिंग में जिसका इंटरेस्ट है, काफी पेजेस उसमें भी बने हुए हैं टिकटॉक के, मैंने देखे हैं. और जैसे मेकअप, काशीस का जैसे मेकअप का उसने अपना बनाया है. अच्छा, आपकी जनरेशन के जितने लोग हैं जब वो सोशल मीडिया पे होते हैं तो वो कई दफा बड़े गैर जिम्मेदार हो के कुछ भी कह रहे होते हैं, इमैच्योर हो के कुछ भी लिख रहे होते हैं, इस तरह के कमेंट्स को आप किस तरह से लेती हैं? क्या आप इनको सीरियस लेती हैं? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है, लाइक हम लोगों को ऐसे कमेंट्स आते नहीं है जैसे मोस्टली, लेकिन जो आते भी हैं हम लोग को एज अ फन ले लेते हैं उन कमेंट्स को, ज्यादा सीरियस नहीं लेते. हाँ, सही. अच्छा, आप खुद किस से मुतासर हैं, किस टिकटॉक स्टार ने आपको मुतासर किया? मेरा फेवरेट टिकटॉकर जी मेरा, मुझे ना मतलब रिदा का तो अकाउंट है अब बंद हो गया, लेकिन मुझे पहले ना मैं इसी को देख के आई थी, तो मुझे इसी का अकाउंट वीडियोस अच्छी लगी थी. उसके अलावा मेरे से मुझे अच्छा लगता है ज्योति जुलकरनैन. अच्छा, सही. हाँ, अभी कुछ अर्से पहले मैंने सुना था कि टिकटॉकर्स की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो आप? हाँ, हुए, यहाँ तो होते रहते हैं, बल्कि मैं खुद ऑर्गेनाइज भी करती हूँ. अच्छा, ग्रेट. तो आप मरी में ऑर्गेनाइज करती हैं? नहीं नहीं मरी में ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम लोग इस्लामाबाद में करते हैं. इस्लामाबाद में. मुझे लगता है कि दुनिया भर के टिकटॉकर्स को लेकर भी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो आए, अलग अलग मुल्कों के लोग दूसरे से मिल सके. होनी चाहिए, होनी चाहिए. अच्छा, टिकटॉक की वीडियो में एक छोटा सा बहुत कम टाइम होता है, बहुत लिमिटेड टाइम में आपको अपना मैसेज देना होता है, चैलेंज क्या रहता है इसमें? चैलेंज लाइक टिकटॉक वीडियोस में मैसेज कोई देना हो तो? हाँ जी, चैलेंज. इट्स चैलेंजिंग, लाइक यू नो, इतनी छोटी सी उसमें, छोटे से टाइम में आपने एक बड़ी बात कहनी है. चैलेंजिंग तो होता है, बट पता है आपके, आपको ना फैक्ट है ये, मतलब डिपेंड ये करता है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं. जितना लोग आपको पसंद करेंगे उतना ना आपकी बात को लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसको सीरियस लेंगे. जी, तो मैं आपसे, मेरा सवाल ये था कि आपके ख्याल में टिकटॉक की जो दुनिया है, जैसे एक ट्विटर की दुनिया है, ट्विटर में सियासत, ज़्यादातर सियासी लोग होते हैं और एक जुमला एक बड़ा तूफान ला देता है, टिकटॉक में जो है कौन सी फील्ड के लोग जो हैं ये उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है? टिकटॉक पे जो मीडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो काफी है, मतलब वो आए टिकटॉक पे. जैसे कि अगर सिंगर हो गए या जैसे कि अगर एक्टर हो गए, राइट? यस. अच्छा, बाज एक्टर्स का और सीनियर एक्टर्स का ये कहना है कि टिकटॉक के जो लोग हैं उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, सिर्फ एक्सप्रेशन ही दिखाई दिए जा सकते हैं, तो क्योंकि वो डबिंग कर रहे होते हैं, तो आप इससे कितना मुत्तफिक हैं, क्योंकि उसमें आपको डायलॉग बोलने की तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है? हाँ, ये तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ एक्ट करते हैं, हम लोग वो खुद बोलते नहीं है, सो सही. हम इसको ना, ऐसी सूरत में आप अगर बताना चाहें कोई डायलॉग डिलीवरी है जिसको आप डबिंग नहीं करना चाह रही हैं, आप उसको अपनी आवाज में, अपने अंदाज में बोलना चाह रही हैं, क्या आप ऐसी वीडियोस बनाती हैं या बनाना पसंद करेंगी? फॉर श्योर बनाना पसंद करूंगी, बट अभी तक मैंने बनाई नहीं है. वो अगर कोई मैसेज वगैरह देखना हो लाइक, तो वो हम लोग अपनी आवाज में बना लेते हैं, उसके अलावा हम लोग सही. आपके जो है, सारे अभी इन दिनों लॉकडाउन है, सारे लोग जो हैं वो घर में बंद हैं, तो टिकटॉक स्टार्स का तो बड़ा फायदा हो गया. आपकी वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है. हो तो रही है, लेकिन इसके लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए. एक तरह से ये हो गया कि आप बाहर जाके कोई वीडियो नहीं बना सकते,
घर में रह के वीडियोस बनानी है, बाहर तो नहीं जा सकते आप, वो अच्छा थोड़ा इशू आता है। एक एक हरीम शाह थी पाकिस्तान की, और उनको काफी नेगेटिव अंदाज में जो है वो मीडिया वालों ने शोहरत दी, तो उनकी वीडियोस हुआ करती थी, और वो किस हवाले से जो है वो मशहूर हुई, आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? हरीम शाह का लोग मतलब कहते हैं, देखें किसी के ना कैरेक्टर को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि कैसा है या कैसा है, यू नो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे ना पर्सनल चीज़ें ना अपने तक रखना चाहिए, ऐसे शो ऑफ करवाना वीडियोस में कि ये वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। काफ़ी लोग सब देखते हैं, ऑलमोस्ट सब देखते हैं, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती नहीं है। आप जैसे कहीं जाती हैं, किस तरह की वीडियोस आप बनाना पसंद करती हैं? हम लोगों को तो वीडियोस में ऐसे ही बना लेते हैं, बस कोई साउंड मिल जाए हम लोग बना लेते हैं। होता ये है कि अगर मेरी बहन मेरे साथ हो ना तो वो वीडियो वायरल चली जाती है। अच्छा, हम लोग कुछ भी हर हर वीडियो का कोई मोटिव होता है, पहले से कुछ सोचती हैं कि मैं ये दिखाऊंगी, या फिर बस कुछ भी जो भी सर्कमस्टेंसेस में हो? नहीं नहीं, हम लोगों का ये होता है, मेरे दादा क्योंकि सब हम लोगों को ट्विन्स कहते हैं, तो मेरा ये होता है कि हम लोग सेम ड्रेसिंग करें, सब कुछ सेम करें, क्योंकि हम लोग करते हैं, हम दोनों सेम करते हैं बिल्कुल। अच्छा, क्या आप सिंगर बनना चाहती हैं? नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर लोग ऐसे सिंगर आपकी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप को पसंद किया जाएगा। हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं इवन बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, मैं बहुत गंदा गाती हूँ। सही। अच्छा राबिया, हमारे शो का नाम है स्माइल विद समीरा अजीज, और आप बनना चाहती हैं एक्टर, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें तीन तरह से स्माइल करके दिखाएं। ओके, पहले मुझे वन तो करने दे, फिर हंसिएगा। अमूमन जब मैं लोगों से स्माइल करने को कहती हूँ तो वो पहले से हंस देते हैं। ओके, स्माइल नंबर वन। जी, स्माइल नंबर टू। स्माइल नंबर टू, जी। एंड स्माइल नंबर थ्री। स्माइल नंबर थ्री। सही। और मेरा सवाल आपसे ये था कि आप सीरियस वीडियोस बनाना ज्यादा पसंद करती हैं या फनी वीडियोस? ज्यादातर मैं ना फनी वीडियोस बनाती हूँ, सीरियस कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन ज्यादा फनी बनाती हूँ। और उससे पहले आपको स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं है, विदाउट एनी स्क्रिप्ट आप लोग बस वीडियोस बनाते हैं? नहीं, हम लोग करना पड़ता प्रैक्टिस के इसमें कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर। सही। अच्छा राबिया, एक्सप्रेशंस की आपने बात की, तो अब मैं चाहूंगी आप मुझे तीन तरीके से ना रोने के एक्सप्रेशंस दें, रो के दिखाएं। मैं आपको साथ दूंगी, अब मैं कराऊंगी नहीं, मैं सीरियस में आपको देखती हूँ। यार मैंने आपको बोला ना, मैं ज्यादा हंसने वाली बनाती हूँ, आप मुस्कुराएंगे नहीं। रोने का, यू नो, एक्टिंग तो एक्टिंग है ना, दो मिनट में रो भी सकता है इंसान। हाँ, मैं दो मिनट में आंसू भी निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको 10 seconds का मौका दूंगी, आप 10 seconds में आंसू निकाल लीजिए और मैं आपको सपोर्ट करूंगी। ओके, रुक जाएं, वेट। मेरे डांस आ ही नहीं रहे अभी, मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, उस साइड में हुए भी है, थोड़ा स्क्रीन पे आए। मेरे आंखों में आंसू आ गए। अभी भी सही नहीं आए। जी, अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको टीवी ड्रामों में काम करना पसंद है या फिल्मों में? ज्यादातर तो ड्रामास में, लेकिन अगर फिल्म अच्छी ऑफर होगी तो फॉर श्योर जरूर करूंगी।
और फिल्मों में जैसे डांस भी करना पड़ता है, और आजकल तो ये आइटम नंबर का एक बड़ा सिस्टम चल निकला है, तो आप क्या क्या ख्याल है आपका कि किस तरह की फिल्में आप कर सकती हैं? फिल्में ऐसी करूंगी जो जो मेरी फैमिली वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, बैठ के देख सकें. अगर उनकी तरफ से मुझे परमिशन मिली तो फॉर श्योर मैं करूंगी. हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ मैंने देखा है कि पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो अपने घर वालों की परमिशन का बहुत ख्याल रखती हैं, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन अभी ऑफ लेट मैं देख रही हूँ पाकिस्तानी मीडिया में जो है बहुत सारी खवातीन जो हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं और डिजर्विंग हैं, वो शिकायत करती हैं ऐसी खवातीन की जिन्होंने वहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ है, जो शॉर्टकट वगैरह के रास्ते पे चल कर जो है और पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करती हैं. और डेफिनेटली ये तो हर फील्ड में इस तरह की चीज़ें अच्छी और बुरी होती रहती हैं, लेकिन खास तौर पर मीडिया जो है मैं समझती हूँ कि बहुत अहम सुतून है किसी भी मुल्क का, और उसमें ऐसे ही लोग आने चाहिए जो पढ़े लिखे हों, कैपेबल हों और सीरियस हो अपने काम को लेके, और वो शॉर्टकट और इस तरह की जो हरकतें करना जो अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है. तो ऐसे सूरत हाल को देखते हुए बिल्कुल ऐसी लड़कियाँ आनी चाहिए जैसे आपकी तरह जो BS कर रही हैं और पढ़ लिख कर पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा बन रही हैं, एक्टिंग का हिस्सा बन रही हैं. इससे पाकिस्तान की फिल्मों का मयार भी बुलंद होगा, और बुलंद है, लेकिन उन लोगों को उन्होंने बिल्कुल ही बायकॉट कर देना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों में सामने आ रही. जैसे हमने ऑफ लेट बहुत सारे किस्से देखे, उज्मा शो उज्मा उज्मा खान का एक रिसेंटली आया, इसकी वजह से अच्छी लड़कियों के जो रास्ते होते हैं वो मसदूद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले कहते हैं यहाँ तो ऐसी लड़कियाँ हैं. आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? ये बिल्कुल ऐसा होना, और ना हर किसी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसी को ना डिग्रेड वगैरह नहीं करना चाहिए. टिकटॉक वीडियोस को मैं देखती हूँ काफी, जो हैं आर्टिस्ट वगैरह जो मीडिया से जिनका लिंक है, काफी लोग गलत भी कहते हैं कि फजूल फेम है, ये सही नहीं है, फजूल है, जो वेले होते हैं वो आ जाते हैं, काफी गलत बोला जाता है इसके बारे में. लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको बिल्कुल शौक है एक्टिंग वगैरह का, वो यूज कर सकता है, अपना टैलेंट दिखा सकता है थ्रू टिकटॉक. मैं एज अ फिल्म मेकर, जैसे हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि एक्सप्रेशंस मुझे चाहिए होते हैं, मैं एक्सप्रेशंस को बहुत अहमियत देती हूँ. तो मैं उनको कहती हूँ कि आप टिकटॉक जाकर देखें उनमें कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो जो अच्छी परफॉर्मेंसेस है मैं उनकी वीडियोज़ देखती हूँ, क्योंकि आप बच जाते हैं ऑडियंस, आपका टाइम बच जाता है. और बहुत सारी एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की भी जो टिकटॉक से ही एक्टिंग की दुनिया में आई हैं. हाँ, आप सऊदी अरबिया के बारे में क्या आपका आपके ख्याल हैं, आप बताइए. सऊदी अरेबिया तो मुझे बहुत बचपन से ना बहुत शौक है वहां पे आने का. मेरी फूफी जान वहां रहती है सऊदिया में, लेकिन आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया. मेरी विश है कि मैं जरूर आऊं सऊदिया में. आपके ख्याल में सऊदी अरेबिया कैसा है, कैसा होगा, वहां वहां पर मुझे तो घूम लोगे? लगता है, नहीं मुझे लगता है फुल ऑफ लाइट्स, हर जगह लाइट ही लाइट होगी. मुझे एक माइंड में है कि हाँ, सही. आप मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए और अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी, और खास तौर पे सऊदी अरेबिया के लिए? सऊदी अरेबिया के लिए तो कोई मुझे वहां पे बुला लो यार. मैं जरूर आऊंगी सऊदी अरेबिया विजिट करने, कभी चांस मिला तो फॉर श्योर मैं आऊंगी. एंड अपने फैंस के लिए तो ये सब, अभी मुझे वही मैसेज मैं पढ़ रही थी सबके, लेकिन दे ऑल लव, उन लोगों ने इतना प्यार दिया एंड सपोर्ट वगैरह किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, थैंक यू सो मच राबिया, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में, और क्योंकि आप खुद भी कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट करती हैं और दिस इज़ वेरी गुड, आप इतनी छोटी सी हैं और आपने बताया कि आप इवेंट वगैरह में हैं, और कभी इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया में या दुबई वगैरह में हम कोई भी इवेंट करेंगे तो हम आपसे रब्ता करेंगे इस बारे में. तो बहुत बहुत ख्याल थैंक यू रखें, सो मच. खुदा थैंक यू, बाय. हाफिज़. बाय बाय. जी दोस्तों, तो लोग असल में खुश होना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, और लोगों की मुस्कुराहट उनके लबों तक पहुंचा देने की जिम्मेदारी संभाली है राबिया रियाज ने अपने
टिकटॉक अकाउंट के जरिए। बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है और ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपने हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा हमारे यूट्यूब समीरा अजीज ऑफिशियल पे और हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और स्नैपचैट पे भी समीरा अजीज ऑफिशियल के नाम से हम हैं मौजूद। और मेरा अपना अकाउंट samira.aziz.media फेसबुक पर भी मौजूद है, जिस पर हम स्माइल विद समीर अजीज के शोज अक्सर करते हैं, आप वो भी फॉलो कर लीजिए। और BGM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता और समीर अजीज एंटरटेनमेंट से सैद अब्दुल लतीफ इस शो को आप तक पहुंचाने के लिए रहते हैं हर दम कोशा। हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, आपको करेंगे महजूस। टिल देन मा सलामा, बाय बाय।